तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं जो जेवियर्स ड्राइवर जो सर्किट दिखाने वाली हूँ, यूट्यूब में छान मान लीजिए, आपको कोई भी नहीं दिखाएगा किस तरीके इतना सस्ते में इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला और जो है लॉन्ग लास्टिंग इस तरीका का जो है जेवियर्स सर्किट कैसे बनाते हैं। तो मैं जो इसको बना रही हूँ IGBT की मदद से, कोई भी MOSFET यूज़ नहीं कर रहे हो, MOSFET जो ख़राब हो जाता है, IGBT लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में सर एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल में नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को एकदम पूरा देखिए आप। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर JBS सर्किट। आई एम द सेट दिस JBS सर्किट इन दिस SMPS बॉक्स, कंप्यूटर SMPS बॉक्स। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट दैट इज दिस इज द IGBT। दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी IGBT। इसको मैंने बहुत बार चलाया है, बहुत बार हीट भी हुई, लेकिन ये ख़राब ही नहीं होता फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का IGBT है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। ओके, तो देख सकते हैं ये रही IGBT, और हमने जो इसके साथ बहुत बड़ा बड़ा हीट सिंक फिट किया, और जो इसके साथ एक कूलिंग फ़ैन भी यूज़ किया है, क्योंकि ये जो है बहुत सर्किट बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैंक कैपेसिटर यूज़ किए मैंने, जो टैंक कैपेसिटर यूज़ किए हैं आपको भी वही करना है, लेकिन तो आप नहीं तो आपको इतना मेरा जैसे बड़े आर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए ये बहुत ही अच्छे तरीके का जो एक JBS सर्किट है फ्रेंड्स। मैं इसमें जो है 40 वोल्ट तक इनपुट दिया हूँ, ये जो सर्किट कुछ भी नहीं हुआ है, हीट होता है लेकिन ठीक है, लेकिन इसको जो कुछ भी नहीं होता है। देखिए मैंने जो इस सर्किट के साथ दो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है, इसीलिए जो है इसका पावर इतना ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मैंने इसको SMPS बॉक्स के अंदर सेट किया दिया है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो चलिए अभी जो इसको देखते हैं किस तरीके से हमें इसका सर्किट जो है कैसे देख लेते हैं। पहले तो आपको दो MOSFET चाहिए, देखिए ठीक है, ये जो हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये है हीट सिंक, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े हीट सिंक्स लेना है आपको, जिसको IGBT को जिस इस दो बड़े हीट सिंक के ऊपर लगाना है। ठीक है, अभी देखिए इसका नाम है हीट सिंक, चलिए गया बिग हीट सिंक। तो अभी देखिए जो है हमारा IGBT का 3 लेग होता है, ठीक है, एक जो है गेट और बीच वाला जो है कलेक्टर और लास्ट वाला जो है एमीटर। ठीक है, अभी देखिए ये जो है हमारा जो है IGBT का डाटा सीट है, देख लीजिए ये हमारा IGBT का डाटा सीट है, ये गेट वाला पॉइंट है, ये कलेक्टर और ये जो है एमीटर। ठीक है, अभी इस पे देख लीजिए ये गेट एमीटर। ठीक है, अभी जो है आपको क्या करना है, देखिए तो अभी जो हम IGBT यूज़ कर रही है उसका नंबर है 25N120, जो ये IGBT आपको दो चाहिए। ठीक है, ये IGBT हम यूज़ कर रही है, बहुत ही बेस्ट है गाइस, और इसको ये जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो है इंडक्शन में भी यूज़ होता है IGBT, बहुत ही पावरफुल IGBT है। तो पहले तो आपको एक डायोड लेना है, ठीक है, देखिए डायोड को जो है IGBT के मिडिल वाला मतलब कलेक्टर वाला पिन के साथ डायोड का माइनस वाला पॉइंट को कनेक्ट करना है। ठीक है, और प्लस वाला पॉइंट अभी हमारे पास है, इस प्लस वाला पॉइंट को जो है हमें दूसरी जो IGBT है उस IGBT के जो है गेट वाला पॉइंट के साथ हमें कनेक्ट करना है। देख लीजिए हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे, पहले ये हो गया हमारा काम। ठीक है, अभी जो है देख लीजिए, अभी जो है दूसरा IGBT के जो कलेक्टर वाला पॉइंट है उसके साथ भी एक जो है डायोड हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, देख लीजिए डायोड का माइनस के पॉइंट जो है इस कलेक्टर के साथ कनेक्ट रहेगा, और जो है डायोड का प्लस का पॉइंट जो है दूसरे वाला IGBT के गेट के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी देखिए हम जो इस डायोड को यूज़ कर रहे हैं, ये डायोड है बहुत ही सुपर फास्ट डायोड आपको यूज़ करना है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ 6480 डायोड, आपके पास इससे अच्छा जो है डायोड हो तो आप उसे ही यूज़ कीजिए, तो आपके सर्किट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हो गई हमारा, अभी जो है हम एक जो 12 वोल्ट का जेनर डायोड हमें चाहिए। ये 12 वोल्ट का जेनर डायोड हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इस IGBT के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि IGBT अच्छे से रहे। ठीक है, हमें पता है कि जेनर डायोड को हम हमेशा रिवर्स में लगाते हैं, तो देखिए इस जेनर डायोड के माइनस के पॉइंट को जो है हम गेट के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने जो है इसका पॉइंट जो है हमेशा रिवर्स में हमें लगाना चाहिए, ताकि जब एक्सट्रीम करंट हो तो जेनर डायोड के अंदर एग्जॉर्ब हो जाए और हमारा IGBT जो है बच जाए। तो हम दूसरे IGBT के साथ भी वही करेंगे, देखिए इसका प्लस वाला पॉइंट को एमीटर के साथ और माइनस वाला पॉइंट को गेट के साथ लगा दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ये माइनस का पॉइंट। ठीक है, अभी जो है आपको 10K का रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है,
पे फ्रेंड्स आपको एक 10K का रेजिस्टेंस चाहिए। 10K का रेजिस्टेंस को जो है हमने जो जीना टायर लगाया है उसके पैरेलली आपको कनेक्ट करना है। सॉरी 10K नहीं, आप 1K यूज़ कीजिए। इस सर्किट के लिए आपको 1K इज़ बेस्ट, 10K मत यूज़ कीजिए। मे बी 1K ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 1K का जो है रेजिस्टेंस यूज़ कीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे मॉस्फेट के साथ भी सेम चीज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट आधा हो गया है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो IGBT का लास्ट वाला एमीटर वाला पॉइंट है और दूसरे की जो भी एमीटर वाला पॉइंट है, इस एक दूसरे को जो है हमें पैरेलली कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से इसको जो है हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। देखिए एमीटर पॉइंट के साथ जो है दूसरे वाला IGBT के एमीटर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से जो हमें बैटरी का नेगेटिव देना है, ठीक है। यहाँ से हमें नेगेटिव जो है पॉइंट, ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल देना है, ठीक है। तो चलिए इसको मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये जो हीट सिंक है, ठीक है, या चलिए H लिख देते हैं इसके ऊपर। तो ये हो गई, देख लीजिए अच्छे तरीके से हम मार्क कर ले हैं। अभी जो है फ्रेंड्स, आपको गेट के जो पॉइंट है उसके साथ दोनों जो है IGBT है उसके दोनों गेट के पॉइंट के साथ जो है हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इस दो रेजिस्टेंस का जो है दो पॉइंट निकलेगा, इस दोनों पॉइंट को जो है एक साथ के साथ इस तरीके से जोड़ देना है आपको, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है 470 ओम, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस को आपको यूज़ करना है, जिसका हाफ वाट या 1 वाट आप यूज़ कर सकते तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपके पास 1 वाट का रेजिस्टेंस है ये, तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए ये जो पॉइंट है एक दूसरे को जोड़ने के बाद, ये वाला पॉइंट हमें प्लस में जाएगा, ठीक है। अभी चलिए हमारा जो है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को ड्रॉ कर लेते हैं। उसको दोनों को किस तरीके से जोड़ना है आपको दिखा देते हैं। ये रही जो है हाई वोल्टेज वाला पॉइंट, तो चलिए दूसरे को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारा जो है दो तरीके का, देखिए इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांस होते हैं। ये हाई वोल्टेज वाला नंबर ऑफ ट्रांस है, ठीक है। अभी देखिए ये जो है फ्लाईबैक के ऊपर पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, नीचे की तरफ एक पॉइंट होता है जो नेगेटिव, और दूसरे को देख लीजिए इस तरीके से होता है। अभी जो दूसरे एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पॉइंट को जो है हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। देखिए अभी जो है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का जो फेरोमैग्नेटिक कोर होता है उसके ऊपर हम बाहर से वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। जो इसका नंबर ऑफ टर्न्स होगा 4 और 4, देखिए दोनों के ऊपर 4 टर्न करके हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, इसका शुरू और इसका एंड इस दोनों को ही जोड़ना है, ठीक है। उसका दोनों का शुरू वाला पॉइंट को आपको जोड़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस तरीके से आपको जो है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का जो आप बाहर की तरफ वाइंडिंग बनाता है उसके साथ जोड़ना है, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस वाला पॉइंट हो गया, तो चलिए इसके जो है हम लोग ये जो है सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। अभी जोड़ने के से पहले इसके ऊपर जो है हम एक इंडक्टर कॉइल लगाएंगे। 100 फ्रिक्वेंसी का भी लगा सकते हैं या 200 फ्रिक्वेंसी का भी लगा सकते हैं, 200 फ्रिक्वेंसी अच्छा होगा, ठीक है। इसको अभी देखिए सर्किट के साथ इस तरीके से जोड़ना है। अभी देखिए हमारा जो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के ऊपर, यहाँ से देखिए हम प्लस के पॉइंट लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा IGBT जो दो था, ठीक है, IGBT जो हमने दो हीटसिंक के ऊपर लगाया था, कोई भी माइका शीट के बिना लगाइए, ठीक है। अभी देखिए हीटसिंक के ऊपर से दो पॉइंट को आप लेना है, हीटसिंक के ऊपर दो वायर को आपको इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस तरीके से हीटसिंक के ऊपर एक वायर कनेक्ट करना है, ठीक है, दो हीटसिंक के ऊपर ही। इस दोनों वायर को जो है आपको फ्लाईबैक के दो ये जो वायर निकला हुआ है इस दोनों वायर के साथ आपको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अभी जो बात रहता है इसके ऊपर जो है कैपेसिटर कनेक्ट करना, कौन से वाला कैपेसिटर, तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं। सर्किट को जो है हम दूसरे पेज पे फ्लाईबैक दो ट्रांसफार्मर को ड्रॉ कर रहे हैं। पूरा ये वो जो साइट है वो हाई वोल्टेज वाला साइट है, ये हम जो है लो वोल्टेज वाला जो वाइंडिंग का जो है प्राइमरी वाइंडिंग, ये रही इसको 4-4 करके आपको वाइंडिंग करना है, यहाँ से आपको प्लस का पॉइंट देना है, ठीक है। अभी जो है इस कहाँ पे हमें जो है वो नॉन पोलर कैपेसिटर को जोड़ना है, ठीक है, जो कि हम टैंक कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये रही तो कैपेसिटर, तो चलिए कैपेसिटर को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे। जो टोटल जो है आपको 5 कैपेसिटर लगेगी, ठीक है। ये जो 3 कैपेसिटर है, इस तीनों कैपेसिटर का जो वैल्यू है 0.33 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 0.33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है 3।
ठीक है, इसको दो तीन जो कैपेसिटर को आपको पैरेलली कनेक्ट करना है, उसके बाद जो और एक कैपेसिटर लेना है जिसका वैल्यू है आपको 0.3 माइक्रोफेरेट, ओके। उसके बाद और एक टैंक कैपेसिटर लेना है, इसका वैल्यू जो है 5 माइक्रोफेरेट, ठीक है। ये जो है 5 कैपेसिटर को इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट करना है। उसके बाद जो है देखिए फ्लाईबैक का जो है प्राइमरी वाइंडिंग को इस तरीके इसके कैपेसिटर का पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, और दो पॉइंट को निकाल के हमें जो है देखिए जो IGBT है IGBT की हीट सिंक के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको जो है इसको अलग से आपको दिखाया, तो इस तरीके से आपका जो है सर्किट बन जाएगा। तो अभी जो है फ्रेंड्स मेरा 40 वोल्ट DC का पावर सप्लाई है। देखिए दो ट्रांसफार्मर पैरेलली कनेक्ट किया है, उसके साथ जो है एक हाई एम्पियर का 12 वोल्ट का बैटरी भी कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए पीछे एक हमने जो एक कूलिंग फैन सेट किया था उसको चलाने के लिए अलग से एक SMPS 12 वोल्ट का SMPS हमने लिया है। तो चलिए इस SMPS को तो हम पहले तो जैकिंग करके इस फ़ैन को चालू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है फ्रेंड्स हमारा जो है फ़ैन पूरी तरीके से चालू हो चुका है। तो ये रही हमें अभी जो है इसको प्लस के साथ जोड़ दिया है। अभी चलिए इसको पावर दे के देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अभी जो है इसको पावर देते हैं, चलिए अभी पावर देते हैं। ओह नो, तो देख सकते हैं इसके इंटरनली लीकेज के लिए कैसे हो रहा है। तो चलिए एक बार पावर को टेस्ट करके देखिए, ये जो इंटरनली लीकेज के लिए हो रहा है। तो अभी जो क्या करना है आपको जो है फ्लाईबैक का आपके पास फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है इसका डायरेक्शन आपको यूज़ करके बैठा लेना है। ये अभी जो है अभी इसको चेक करते हैं, देख लीजिए बहुत ही बड़ा आर्क निकल रहा है इसके अंदर से, बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है। तो आपको कोई भी इस तरीके से कैसे बनाना है डार्क मोड में, चलिए देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी नहीं दिखाएगा फ्रेंड्स इस तरीके का इतना ज़्यादा पावरफुल JBS ड्राइवर बनाना सच में फ्रेंड्स। और ये जो JBS ड्राइवर सर्किट है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ही जो आपको वीडियो दे रहा हूँ। जो भी मेरे फेसबुक के अंदर से जॉइंट है या इंस्टाग्राम में उसने देखा ही होगा मैंने बहुत पहले इसे बनाया है, बहुत चेक करने के बाद आपको दे रहे हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।